यदि आप झारखंड राज्य से हैं या भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो आप उसे ऑनलाइन कैसे खोज सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल करके। इसी प्रोसेस के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो है एवरीवन, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं शंकर डिजिटल क्लासरूम। तो इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना होगा, तभी जा करके कंप्लीट प्रोसेस को आप समझ पाओ। यदि हमारे वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज इसी प्रकार के यूनिक कॉन्टेंट्स अपलोड होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज डेट, आप एक चीज सोचिए कि आपको अपना राशन कार्ड का नंबर ही नहीं मालूम है, कोई भी डेट कोई भी टाइम आपको मालूम नहीं है, कब आपका राशन कार्ड बना था, राशन कार्ड का कोई भी चीज कोई भी रसीद कोई भी पीडीएफ आपके पास में नहीं है और आपको अपना राशन कार्ड फाइंड करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको आ जाना है अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन हो जाते ही आपको यहाँ पर सर्च करना है मेरा राशन। ये जो आप देख रहे हैं मेरा राशन ऐप, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये गवर्नमेंट का खुद का ऐप है। इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोग सिंपली इसे ओपन करेंगे। देन ये कुछ परमिशंस मांगेगा, सिंपली आपको अलाउ कर देना है। देन इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अपना आधार कार्ड का नंबर डाल करके राशन कार्ड का नंबर आपको निकालना है। वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है आधार सीडिंग। देन यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, राशन कार्ड नंबर और आधार संख्या। चूंकि हमारे पास में राशन कार्ड का नंबर नहीं है, इसी को हमें सर्च करना है, तो दूसरे वाले विकल्प पर जाएंगे, आधार संख्या, इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है, किसी भी फैमिली मेंबर में से एक का जिनके राशन कार्ड में नाम था, या सिंपली आप एक काम कर सकते हैं, जो फैमिली का मुखिया है जिनके नाम पर राशन कार्ड बना हुआ था उन्हीं का आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना है। डाल देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। ऐसा करते ही आपका राशन कार्ड कौन से राज्य में बना था, कौन से जिले में बना था, कार्ड किस प्रकार का था, पीएच था या ग्रीन था या व्हाइट था, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको अपना राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपका दुकान यानी डीलर का संख्या भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको जो अपना राशन कार्ड का नंबर जो है इसे नोट डाउन कर लेना है कहीं पर कॉपी या कलम में, ठीक है। राशन कार्ड का नंबर नोट कर लेने के बाद आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में कितना सदस्य पहले से यहाँ पर एड है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको अपना राशन कार्ड का नंबर तो मिल गया है, अब आप अपना राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए इस प्रोसेस के साथ हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो आपको आ जाना है आहार झारखंड के साइट पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से सिर्फ आप झारखंड वासी है तो ही आप अपना राशन कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आप अपना राशन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद साइट पर आप यहाँ पर देखेंगे लाभुक की कार्ड की जानकारी, देन तीसरे में आप देख सकते हैं राशन कार्ड विवरण, इस प्रकार से आ जाएगा। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगा, बहुत टाइम भी जाएगा। नीचे आइएगा, जो भी राशन कार्ड का नंबर मिला है उसे यहाँ पर डालना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका राशन कार्ड कौन से जिले से है, परिवार का मुखिया का नाम यहाँ पर क्या है, कौन सा डीलर है, कौन सा कास्ट है, कौन सा एड्रेस है, वार्ड नंबर कौन सा है, राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट का बटन है, इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, तो इजीली आप अपना राशन कार्ड यहाँ पर से प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर झारखंड वासी समझ गए होंगे कि उनका राशन कार्ड का नंबर उन्हें नहीं मालूम है, तो फिर भी उनको अपना राशन कार्ड डाउनलोड करना है तो आधार कार्ड का नंबर दे करके वो लोग कैसे कर सकते हैं। किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपना राशन कार्ड का इन्फॉर्मेशन पीडीएफ कैसे निकालेंगे, गूगल क्रोम पर आपको आना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है NFSA, सर्च करेंगे पहला वाला जो लिंक आ जाएगा NFSA का, इस पर क्लिक करेंगे, या आप डायरेक्ट भी NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर आ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइट पर आएंगे मेन्यू में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा सिटीजन कॉर्नर, और थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करते आना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा नो योर राशन कार्ड स्टेटस, सिंपली इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर सर्च टाइप में एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, राशन कार्ड नंबर, इसी पर आपको क्लिक करना है और राशन कार्ड जो भी आपने अभी निकाला है, जो आपने अपना आधार डिटेल डाल करके निकाला था इस मेरा राशन ऐप से, यहाँ पर आप देख सकते हैं राशन कार्ड का नंबर, तो इस नंबर को आपको यहाँ पे डालना है।
इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डालना है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट आरसी डिटेल्स। फाइनली आपको अपना राशन कार्ड का डिटेल यहाँ पर पूरा खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपका राशन कार्ड का नंबर क्या है, कौन सा स्कीम है, हेड ऑफ फैमिली कौन सा है, कौन से एड्रेस में है यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका राशन कार्ड बना हुआ है, कौन से स्टेट से आपका राशन कार्ड बना हुआ है। आपको यहाँ पर दबाना है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी दबाता ही पूरा राशन कार्ड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। अब आप इसे चाहे तो एज ए पीडीएफ सेव करके रख सकते हैं, या आप चाहे तो इसे प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। सो आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे। यदि आपको अपना राशन कार्ड का कोई भी विवरण नहीं मालूम है, जैसे कि राशन कार्ड का नंबर या किस डेट में बना था, कौन से राज्य में बना था, कौन से जिले में बना था, तो इस प्रक्रिया से आप अपना राशन कार्ड इजीली डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी ओटीपी के। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। यदि आप सभी प्रकार के ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कैसे शिकायत करें, राष्ट्रपति जी से कैसे शिकायत करें, प्रधानमंत्री जी से कैसे शिकायत करें, कंज्यूमर कोर्ट में कैसे शिकायत करें, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ओपनिंग, आधार कार्ड, फूड लाइसेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हॉस्पिटल में ऑनलाइन बुकिंग, RTI फाइल करना, इस प्रकार के रोज हमारे चैनल पर कंटेंट्स अपलोड होते रहते हैं, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल संकर्ष डिजिटल क्लासरूम को।